हे गाइस, सो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ बेंगलोर। इट्स माय फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू बेंगलोर, सो आई शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू गाइस, सो बी हियर। सो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आई फास्ट फॉरवर्ड द वीडियो एंड डायरेक्टली टेक यू टू द एयरपोर्ट। सो एयरपोर्ट जोन में कर गए हैं एंटर। सो व्यू आ रहा है एक नंबर, लेट्स सी आगे एंट्री करते हैं। तो गाइस, हमने कर लिया था वेब चेक इन, तो बोर्डिंग पास की हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं बिकॉज ऑलरेडी हमारे फ़ोन में है। तो सीधा लगेज के लिए स्टिकर्स लेके तो सीधा आगे सिक्योरिटी चेक के बाद चलते अंदर। सो सिक्योरिटी चेक करवा के हम जा रहे हैं डिपार्चर गेट्स की तरफ। सो देयर विल बी अ वेटिंग एरिया, विल वेट देयर फॉर अ फ्लाइट। सो लेट्स सी, यू कैन हैव अ लुक। सो गाइस, भीड़ बहुत है, बिल्कुल रेलवे स्टेशन की तरह भरा पड़ा है पूरा एयरपोर्ट। सो फ्लाइट हमारी डिलेड है नियर अबाउट 45 मिनट्स। सो इधर घूम फिर के टाइम निकालते हैं। सो आफ्टर लॉन्ग वेट फ्लाइट आ गई है, तो वेटिंग फॉर द बस, बस से लेके जाएंगे फ्लाइट तक। सो जैसे तैसे बस में जगह मिल गई है खड़े होने की, तो अभी जा रहे हैं फ्लाइट की तरफ। सो ये है अपनी फ्लाइट जिसमें हम जाने वाले हैं। तो बाहर से तो भाई अलग एक नंबर, बाकी लेट्स सी अंदर चल के देखते हैं क्या कुछ है। सो आ गए हैं हम अंदर, वो रही अपनी सीट और हमें मिली है विंडो सीट। सो व्यू विल बी डिफरेंट, सो बी ऑन द वीडियो टू चेक इट आउट। सो फ्लाइट को लेके जा रहे हैं रनवे पे, नियर अबाउट 2.5 घंटे की हमारी फ्लाइट है फ्रॉम दिल्ली टू बेंगलोर, और बेंगलोर है दिल्ली से नियर अबाउट 2200 किलोमीटर। तो इस हिसाब से फ्लाइट जाएगी नियर अबाउट 800 to 900 किलोमीटर पर आवर। अरे भाई, धीरे धीरे रफ्तार पकड़ ली है और नाउ इट्स गोइंग टू टेक ऑफ। क्या व्यू आ रहा है, एक नंबर। फ्लाइट में अपना फूड आ गया है, मिलता हूँ आपसे इसे निपटाने के बाद। सो ऐसे ही टाइम पास करते करते आ गया बेंगलोर। रास्ते में देखी हमने एक मूवी और चलो अभी उतरते हैं फ्लाइट से।
अरे यार भीड़ बहुत होती है, इनने तो बस स्टैंड वालों को भी पीछे छोड़ दिया भाई। सो अगेन बस में गए हैं बैठ, अब आगे चल के हमें अपना लगेज उठाना है। तो लगेज उठा के कैब हमारी पहले से बुक है, कैब वाला बस आ ही रहा है। चलो भाई अपना लगेज गया मिल, चलते हैं बाहर, देखते हैं अपने कैब वालों को अभी आया कि नहीं। सो अपनी कैब गई है मिल, चलते हैं होटल की तरफ, होटल हमारा पहले ही बुक्ड है। बाकी प्लेन में शोर बहुत हो ज़्यादा होता है, उसकी वजह से सर में हो रहा है भाई दर्द। तो भाई भाई को बोल दिया कि पहले पियेंगे चाय, तो कोई चाय वाला मिलेगा तो रोक लेना, तो चाय पी के फिर चलते हैं होटल। सो चलो देखते हैं रास्ते में कोई चाय वाला मिलता है तो। सो भाई ने जैसे जैसे करके भाई एक चाय वाला तो ढूंढ लिया अपने लिए। सो भाई ने पिलाई अपने को चाय, तो चाय वाय पी के चलते हैं हम थोड़ी देर में अपने होटल की तरफ। सो होटल में आ गए, कर लिया हमने चेक इन, और ये है हमारा रूम। रूम तो देखने में भाई बढ़िया है, बाकी ऑल सेट, वॉशरूम वगैरह देखते हैं भाई क्या क्या दिया है इनने रूम में। तो टीवी वगैरह लगा रखा है, बाकी चाय कॉफ़ी का सामान भाई खुद ही दे दिया कि जब मन करे बनाओ पियो। और अलमारी में दिया इनने लॉकर, अरे भाई लॉकर इतना तगड़ा दे दिया, कुछ होना भी चाहिए इसमें रखने के लिए। बाकी चलो और अपने पास क्या है, एक इनने ये मिनी फ्रिज दिया है, खाली है भाई पूरा। चलो गाइस गुड नाइट, रात के 1 बज गए हैं, तो सुबह मुझे उठ के रेडी होके ऑफिस भी जाना है। सो देखता हूँ अगर होता तो मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस, सो पहले लेट उठाऊँ तो जल्दी से करता हूँ अपना ब्रेकफास्ट और निकलता हूँ ऑफिस के लिए।